शब्दों की भी जरूरत नहीं है, वो आपके सानिध्य में आते ही अपने आप को कूल महसूस करता है। इसीलिए हम शायद भगवान के जब दर पर जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत कूल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वोपरि है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल पारदर्शी। तो हमारा जन्म भी इसी के लिए है कि हम भी अपने आप में ऐसे ही बने, इतने पारदर्शी बने, इतने स्पष्ट बने, इतने सही जीवन लिए। तो ये जो चीज है ये अपने आप डेवलप होना चाहिए। इस तरीके के प्रोग्राम का मेरा आपोस इसीलिए रहता है कि इसमें अधिकतर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है, यही ठीक है रहती है। ये प्रोग्राम में जो मुझे नहीं दिखी, इसके लिए मैं मनीष जी उपाध्याय को अगले साल जरूर मेरी कॉन्ट्री क्योंकि ठीक है, उन्होंने बताया सबसे लास्ट में कंक्लूजन में बताया कि ऐसा चलना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये और उसको उन्होंने लास्ट इस पे रखा। लेकिन जो शुरुआत की वो एक नेचुरल फॉर्म से की और बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल चटनी जैसी आवश्यक है। तो चटनी बहुत इसीलिए उन्होंने वैसे ही किया। और मैं आपसे कहती हूँ कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपसे कहती हूँ कि यदि हम अपने आप में अपने आप को सही करना चालू कर दें तो कॉन्फिडेंस अपने आप बनना चाहिए। अपने में की अच्छी स्ट्रेंथ आप पहचाने, उस स्ट्रेंथ को आप डेवलप करें और वो स्ट्रेंथ आप लोगों के साथ शेयर करें। आप जितना शेयर करोगे उतना वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस यदि आप सही बोल रहे हैं तो बिल्कुल उसी वक्त पॉसिबल है कि आप दूसरे की आंख में झांक के बोल सकते हैं। यदि आप सही नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो कितना ही आपको पढ़ाया गया हो पर्सनली डेवलपमेंट के कोर्स में कि आई कॉन्टैक्ट में देखो, लेकिन यदि आप सही नहीं हो आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, कोई नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर है, वो जानता है सब कुछ, वो बिल्कुल जानता है, उससे कुछ नहीं छुपा। तो जब भी डरना है कुछ भी है स्टेज पे आने से क्या डरना है, डरना है उससे डरना है बिल्कुल। यहाँ पे आ रहे हो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप अपने सब्जेक्ट में ठीक नॉलेज भी है, सब कुछ है, और ये है कि आप सब सही बोलने वाले हो, सब आपका अपना है, कहीं चुराया हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपके साथ में यदि मनीष उपाध्याय का ये कोर्स आपने किया है तो कॉन्फिडेंस में मुझे नहीं लगता कि कहीं कमी है। थैंक यू। ठीक है जी।